अभी अपन निकल रहे हैं यहाँ से गाड़ी का नंबर प्लेट लेने के लिए। तो ऐसे आज ऑफिस गए नहीं कुछ पर्सनल काम की वजह से, तो अभी अपन निकल रहे हैं यहाँ से सहादरा सर्विस सेंटर पे जाएंगे, नंबर प्लेट लगवाएंगे, फाइनली नंबर प्लेट मिल जाएगा, चलते हैं। मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ है मज्जू जी, हम दोनों जा रहे हैं नंबर प्लेट लगवाने। मज्जू जी कुछ कर रहे थे आप अभी? नहीं कुछ नहीं कर रहे थे। चलो नंबर प्लेट लगवानी है, तो वो रहे 5 मिनट बस वेट करना पड़ेगा, 5 मिनट बाद नंबर प्लेट लग जाएगी, फिर उसके बाद से अपन यहाँ से निकल जाएंगे। और रही बात, एक प्रॉब्लम ये हो गई है, अभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, बाइक ऐसे ऐसे खड़े खड़े मेरी फिर से बाइक गिर गई है, तो कोई नहीं। और बाकी लोग पूछ रहे हैं तो मैंने सर से बात किया, जो यहाँ के मैनेजर हैं वो बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं 5 मिनट का टाइम दीजिए, फिर मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँगा, क्या प्रोसेस है, कैसे बाइक आपको लेना है, तो क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मतलब जो भी प्रोसेस होती है सारी चीज़ें वो अभी एक्सप्लेन कर देंगे। तो क्यों हमारे साहब जी बिजी हैं। और ये रहा हमारा नया चश्मा, ये जो मुझे दीदी ने गिफ्ट किया अभी कल ही आया ऑर्डर। तो चश्मा अच्छा है या ऐसे ही है? और एक तो यह गर्मी, भाई साहब पता नहीं क्या है, कौन सा दिन है, ऐसे बाइक खड़ी हुई थी, किसी ने बाइक हटाया और जो स्टैंड था वो पूरी तरह से लगाया नहीं, हाफ ही लगे थे स्टैंड, बंदे ने ऐसे बस हाथ रखा उस पर, बाइक गिर गई। कोई नहीं, बस आज नंबर प्लेट लग जाए, पिछली बार आए थे तो नंबर प्लेट नहीं लगी थी, बस आज नंबर प्लेट लग जाए। प्लेन सामने से पास है, ठीक है सर, ठीक है। गाड़ी का नंबर फ्लैट DL5SCM1968। फाइनली आज गाड़ी का नंबर प्लेट मिल गया मुझे, प्लेट के साथ एक कवर भी लगेगी सेफ्टी के लिए। सर बोल रहे हैं कि लगवा लीजिए सेफ्टी ताकि मुड़े और टूटेगा नहीं। और इसका प्राइस बता रहे हैं 200 रुपये, मतलब बोल रहे थे 250 रुपये, और पता नहीं मैं लगवा ले रहा हूँ सेफ्टी के लिए सही रहेगा, उठने कर बच्चे मोड़ देंगे सामने, इस वजह से पानी देखा। जो नंबर प्लेट का कवर था वो लग गया है, ये जो भी हो पता नहीं सही है सही है, अच्छा है बुरा है क्या है, आप लोग बताओ देख के कि ये नंबर प्लेट का कवर है कैसा है। आई होप सर तो बड़े सही रहेगा, ये नंबर प्लेट का कवर टूटेगा नहीं, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी इस नंबर प्लेट के साथ आपको नीचे मिलेगा बिना सर TVS कॉन्टैक्ट नंबर, तो कॉल करो इनको और जो भी सवाल हो पूछो इनसे, बाइक अगर लेनी है तो इनसे पूछ सकते हो। तो अभी नंबर प्लेट लगने वाली है, इतने दिनों बाद 1 महीने कंप्लीट हो गए मेरी बाइक के, ये रहा हमारा फ्रंट नंबर प्लेट इंडिया, ये जो इंडिया का साइन है ना यार, सब प्राउड फील करवाता है। ये हो गया बैक वाला का, फ्रंट का, और जितना नंबर प्लेट लगेगा बैक का। अब बहुत सारी जगह ये है इस नंबर प्लेट के साथ, अगर ये लोग ये अगर लोगो ना हो तो उससे भी चलान कटती है। तो भाई लोग जो भी नंबर प्लेट आप लोग स्टाइलिश बनवाते हो ना बनवाओ, जो कंपनी देती है वही यूज करो, उसको भी चलाना।
अभी ये लगेगी हमारे नंबर प्लेट पीछे बाइक के। पकड़ना है क्या स्टाइल है नंबर लगाने का, सही है, मिल भी नहीं रहा। तो ये है मेरा पीछे का नंबर प्लेट और आएगा आप देख सकते हैं नंबर प्लेट अब लग गया अपने मेरी बाइक की। थोड़ी देर में जो लीवर था क्लच का जो टूटा था वो भी लग के आ जाएगा, फिर अपन यहाँ से निकलेंगे और अभी दिखाएंगे यहाँ पास में सिग्नेचर ब्रिज जो पड़ता है वहाँ पर जाकर अपन रुकेंगे और आज करवानी है थोड़ी बहुत फ़ोटोशूट। तो यहाँ से निकल के थोड़ी दूर चल के सिग्नेचर ब्रिज पर पहुँचेंगे, फिर अपन करवाएँगे फ़ोटोशूट, फिर वहाँ से निकलेंगे घर बुलबुल को लेके, बुलबुल के साथ कि क्या बोलूँ बस। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है, मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लगती है आप लोगों को, तो लाइक शेयर कमेंट जो भी करना है कर दो यार, कर दो, बस कर दो और कुछ नहीं, बस कर दो। नंबर प्लेट वगैरह तो लग गए, अब यहाँ से अपन निकलते हैं, हम निकल के चलते हैं घर। और जो बड़ी बात तो है कि क्लच की जो टूटा हुआ है मेरा वो क्लच पैड लगा नहीं, यहाँ पे सारे सर्विस सेंटर बंद है, कहीं और देखते हैं जहाँ पे लग जाए आज, क्योंकि लगवाना तो ज़रूरी है वो भी। और मैं और मेरे लौंडे दोनों रेडी है जाने के लिए। ब्रिज पे आप अभी मेरे पीछे देख सकते हो ये ऊपर सिग्नेचर ब्रिज है और जिसने भी बनवाया बहुत अच्छा है ये ब्रिज। ये जो लोकेशन आप पीछे देख सकते हो यहाँ पे जमुना जी का, मतलब इतना मस्त भी है यहाँ पे, फोटोग्राफी हमने कर ली है, अपलोड करेंगे इंस्टा पे। और ये हमारे पीछे लॉन्ड है, मतलब इसका मतलब इसको फ़ोटो खींचना नहीं आता मेरे, इसका मैंने अच्छी अच्छी फ़ोटो ले ली, इसने साले ने एक फ़ोटो अच्छी ले ली मेरी। और बाकी का जो व्यू है इतना बेहतरीन है ना, ये पूरा मस्त एकदम, आप पीछे देखते हो इतनी गाड़ियाँ चलती है, इतनी मस्त व्यू है यहाँ पे। बट जो भी हो सिग्नेचर ब्रिज है हमारा, ये है पूरा सिग्नेचर ब्रिज का ऊपर का व्यू है। शाम होती है इतनी मस्त लगती है, इसकी लाइटिंग वगैरह जब सारी चीज़ चलती है बहुत प्यारा लगता है। और पीछे चारों तरफ का नज़ारा है ये हमारा, ये मतलब की चीज़ें है। अगर दिल्ली में कुछ कुछ चीज़ें हैं तो उनमें से एक ये सिग्नेचर ब्रिज भी है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं फ़ोटो खिंचवाते हैं। अभी आप देख सकते हो हमारे पीछे जितनी भी उधर बाइकें खड़ी हुई है सब लोग वही कर रहे हैं, फ़ोटो ही ले रहे हैं। और इस साइड भी हमारे पीछे इस साइड भी जितने भी लोग खड़े हैं वो लोग बस फ़ोटो के लिए ही आए। तो बस यही है, गाड़ी शुरू हो गई है धीरे धीरे से, अपन अभी जल्दी से निकलते हैं क्योंकि बैग वगैरह कुछ नहीं, मोबाइल के लिए हो जाएगी फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जो चलो चलते हैं, चलो लेट्स गो। जाने के बाद ऐसे बारिश में भीग गया, इतना भीग गया पूरा बॉडी, वैसे टी शर्ट गीली हो गई है, जाके अभी चेंज करता हूँ नहीं तो पता नहीं कहीं फीवर वगैरह लग गए, सबको है कोरोना ही हुआ है। सो बस इस वीडियो को अपन यही कंप्लीट करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक शेयर कॉमेंट जो भी करना है कर दो, बस कर दो आप। और पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दो, पसंद आए तो लाइक करो शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, मस्ती करो और अपने और अपनों के साथ रहो। बाय बाय, टेक केयर।